अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो, मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ प्लूमेरिया प्लांट पर, जिसको गुलचीन भी कहा जाता है। आज हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर सीखेंगे इसकी प्रोपोगेशन कैसे की जाती है, इसका कौन सा सीज़न होना चाहिए और इसकी कौन सी टाइप ज़्यादा मशहूर होती है। प्लूमेरिया एक पक्का प्लांट है, मतलब परमानेंट पौधा है, जो कई सालों तक आपके पास रह सकता है। इसकी ग्रोथ गमले के अंदर भी होती है और ज़मीन के अंदर भी। इसका ग्रोइंग सीज़न गर्मी के दिनों में होता है, 15 फरवरी के बाद में मौसम बदलने लगता है और दिसंबर के महीने तक इसकी स्टिल ग्रोथ होती रहती है। जैसे ही दिसंबर का मिड गुजरता है और जनवरी तक इसकी ग्रोथ रुक जाती है। 15 फरवरी तक इसकी ग्रोथ रुकी रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं अगर ये ओपन में रहे तो। अगर शेडी एरिया में रहे तो इसके पत्ते नहीं झड़ते, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से, धुंध पड़ने की वजह से इसके पत्ते डिफोलिएट हो जाते हैं, लेकिन पौधा फिर भी मरता नहीं है, इसी तरह खड़ा रहता है। प्लूमेरिया दो टाइप के ज़्यादातर मशहूर होते हैं नर्सरीज पर, एक तो गोल पत्तों वाला और एक नुकीले पत्तों वाला। ये जो मैंने मंगवाया है ये है नुकीले पत्तों वाला। नुकीले पत्तों वाले पौधे में भी खुशबू होती है और गोल पत्ते वाले उसमें भी खुशबू होती है, मतलब उनके फूलों में। इनमें काफ़ी सारे रंग पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये पौधा दो रंगों में देखा जाता है, एक तो जो अभी देख रहे हैं वाइट पेटल्स हैं इसमें और साथ में येलोनेस भी है। गुलचीन में वाइट और येलो पौधा जब भी आप देखें तो समझ आइएगा उसके फूलों में से खुशबू बहुत ही मज़ेदार आती होगी, मतलब बहुत ही स्वीट सी खुशबू होती है। रात होने पर ये ज़्यादा फैल जाती है और दिन के टाइम इसकी खुशबू काफ़ी कम रहती है। इसमें एक वाइट और रेड कलर में भी आता है, लेकिन उसकी ज़्यादा खुशबू नहीं होती और किसी किसी में तो बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती। इसकी फ्लावरिंग पूरा साल होती ही रहती है, पूरी गर्मियाँ इसकी ग्रोथ होती रहती है, पत्ते भी निकलते रहते हैं और फूल भी खिलते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से दिसंबर और जनवरी के महीने में इसके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन इनके साथ जो कलियाँ लगी होती हैं वो स्टिल खिलती ही रहती हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इसकी ब्लूमिंग नहीं रुकती। बस सर्दी के दिनों में नए बर्ड्स नहीं आते, जो कलियाँ ऑलरेडी लगी होती हैं वही खिलती रहती हैं। इस तरह हमें पूरा साल इसकी फ्लावरिंग देखने में और सूंघने में मिलती है। इसको एक आध फूल नहीं लगता, बल्कि गुच्छों की सूरत में फूल लगते हैं। इसको एक ही लंबी सी ब्रांच लगती है जिसके ऊपर बहुत सारी कलियां गुच्छों की सूरत में लगी होती हैं और टाइम टू टाइम वो खिलती ही रहती है। मान लीजिए एक स्टिक के ऊपर 20 या 30 कलियां भी लग सकती हैं, और इस तरह की स्टिक कितनी सारी लग सकती हैं अगर आपका प्लांट बुशी हो तो। इस पौधे के बढ़ने का स्टाइल इसका अपना ही है, मतलब अनोखे अंदाज में ये बढ़ता है। अनोखापन इसका यह है कि ये कभी भी स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ नहीं करता, इसकी ब्रांचेस दाएं बाएं मुड़कर ही ग्रोथ करती हैं। कभी कभी बहुत ही प्रॉब्लम होती है हमें इस पौधे की, क्योंकि ये हमारे हिसाब से ग्रोथ नहीं करता। जब हम इसको नर्सरी से लेकर आते हैं तो काफ़ी ये डी शेप रहता है और घर में लाने के बाद भी ये काफ़ी डी शेप ही रहता है। क्या करें, इसका स्टाइल ही ऐसा है। जिस तरह अभी ये ग्रोथ कर रहा है ये इसी तरह ग्रोथ करेगा। अब ये जो ब्रांच निकल गई है इसको हम सीधा करने की कोशिश करें तो हो सकती है, लेकिन उस पर काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि एकदम से इसको बैंड देने से इसकी ब्रांच टूट जाती है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। इसको दो तरीक़ों से उगाया जा सकता है, कटिंग से भी लगा सकते हैं और बीज से भी, लेकिन मैंने आज तक इसका बीज देखा ही नहीं है और ना ही किसी नर्सरी वाले से सुना कि इसको बीज से भी लगाते हैं। जब भी मैंने इसको देखा और लगाया सिर्फ कटिंग से ही देखता रहा। इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान रहती है, 6 या 7 या 8 इंच की इसकी ब्रांच ली जाती है। मोटी सी ब्रांच लें या बारीक ब्रांच लें, इसकी ग्रोथ हो जाती है। ये जो पौधा है ये भी कटिंग से ही उन्होंने लगाया होगा, 6 से 8 इंच की इसकी कटिंग होगी। हाफ मिट्टी के अंदर लगाते हैं और हाफ मिट्टी से बाहर। इसकी कटिंग लगाने का टाइम बाहर के दिनों में होता है, 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में इसकी कटिंग भी लग सकती है और 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में भी, मतलब 15 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और दूसरा, रेनी सीजन में भी इसकी कटिंग लगाई जा सकती है, लेकिन रेनी सीजन में ओवर वाटरिंग होने की वजह से इसको प्रॉब्लम होती है, इसको ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी रेनी सीजन में लगा सकते हैं। काफ़ी ह्यूमिडिटी पाई जाती है हवा के अंदर, इसकी रूटिंग जल्दी ही शुरू हो जाती है। अभी आपको बताता हूँ इसकी डबल ग्रोथ आप किस तरह कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आप किस तरह ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग डरते हैं कि इसकी ब्रांच को काट दिया गया तो ये दोबारा से ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि इसकी एक ही ब्रांच है वो भी काट दी गई तो ग्रोथ कैसे होगी। मेरे एक दोस्त है, उनके पास भी ऐसा ही पौधा है, लेकिन उसके पीले रंग के फूल नहीं हैं बल्कि लाल रंग के फूल हैं और उसमें से धीमी धीमी सी खुशबू निकलती है, लेकिन वाइट और येलो फूलों में से काफ़ी खुशबू निकलती है। जब मेरे फ्रेंड ने भी पौधा लिया था नर्सरी से तो वो भी एक डंडा सा ही था, जिस तरह अभी आपको ये डंडा दिख रहा है, और उसके ऊपर भी इसी तरह एक पत्तों का गुच्छा था। तो मैंने कहा कि इसको ऊपर से काट दें तो ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, लेकिन वो डर रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे कहने पर उन्होंने काट दिया। और अब उनके घर के बाहर जो पौधा लगा हुआ है वो काफ़ी बुशी बन चुका है, नीचे से तो ग्रोथ एक ही आ रही है, वो बेसिकली वाई शेप में था,
जिस तरह ये डंडा इधर को जा रहा है और एक डंडा इधर को जा रहा था, तो मैंने कहा ऊपर से इसको काट दें। तो जैसे ही उन्होंने काटा तो उनकी साइड ब्रांचेज ज़्यादा निकलने लगी और पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो गया। जितना ज़्यादा पौधा बुशी होगा, समझ लीजिए उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। मान लीजिए एक टहनी के ऊपर एक फूलों का गुच्छा निकलेगा और जितनी ज़्यादा टहनियाँ होंगी उतने ज़्यादा फूलों के गुच्छे भी। लेकिन बहुत से लोग इसकी प्रूनिंग करने से डरते हैं। मैं अभी इसकी प्रूनिंग नहीं करने वाला, मैं करूंगा ज़रूर और इसकी कटिंग भी लगाऊंगा, लेकिन आजकल मैं अपने घर के कामों में कुछ बिजी हूं, जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं रख पाऊंगा। इसलिए अभी इसको ना तो मैं शिफ्ट करूंगा, क्योंकि ये 6 इंच के गमले में लगा हुआ है, इसको मैं बड़े गमले के अंदर लगाऊंगा या क्यारी के अंदर लगाऊंगा और इसकी प्रूनिंग भी कर दूंगा ताकि साइड ब्रांचेज ज़्यादा निकल सकें। इस पौधे को जितनी ज़्यादा धूप देंगे इसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी, पत्तों का कलर भी डार्क होगा और साथ में फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। इस पौधे को शेडी एरिया में रखा जाए तो इसकी ग्रोथ तो होती है, पत्ते तो अच्छे से ग्रोथ करते हैं, लेकिन इसको फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होती। जितना ज़्यादा गर्म माहौल इसको मिलेगा और जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी, डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, उतनी ग्रोथ अच्छी होगी और फूल भी ज़्यादा लगेंगे। इसलिए ये फुल सन में रखने वाला पौधा है, इसको शेडी एरिया में मत रखिएगा। इस पौधे के लिए कोई सी भी मिट्टी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे बालू मिट्टी हो चाहे चिकनी मिट्टी हो, बस ऐसी मिट्टी हो और ऐसा गमला हो और ऐसी जगह हो जहाँ ज़्यादा देर के लिए पानी जमा ना रह पाए। अगर ज़्यादा देर के लिए पानी जमा रहेगा तो इसकी रूट्स गल जाएंगी और जो आपको ट्रंक दिख रहा है ये वाली टहनी भी गलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ओवर वाटरिंग इसको बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन इसकी मिट्टी ड्राई भी हो जाए तो भी पौधा मरता नहीं है जल्दी। और मज़े की बात तो यह है, इनके ऊपर कीड़े भी जल्दी अटैक नहीं करते हैं। मक्खियाँ आती हैं, रस चूसती हैं फूलों में से और उड़ जाती हैं, क्योंकि फूलों के अंदर जो लिक्विड होता है वो काफ़ी मीठा होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनके ऊपर मक्खियाँ काफ़ी आती हैं। लेकिन किसी भी पेस्ट का अटैक इनके ऊपर जल्दी नहीं होता। मेरे पास जो पौधा था वो करीब 3 साल मेरे पास रहा और उससे कितने सारे मैंने पौधे बनाए, लेकिन कभी भी उनके ऊपर पेस्ट का अटैक नहीं हुआ, ना ही वायरस ने अटैक किया, सिर्फ और सिर्फ ओवर वाटरिंग से उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके पत्तों के अंदर एक लिक्विड सा पाया जाता है, जब इसकी ब्रांच को काटा जाए या पत्ते को काटा जाए तो उसके अंदर से वाइट कलर का मिल्की सा लिक्विड निकलता है, जो काफ़ी चिपचिपा सा होता है। जब भी आपके हाथों में लगे तो उसको धो लीजिए। इसकी कटिंग लगाने का एक रूल होता है, जब इसकी कटिंग को काटा जाता है तो कटिंग के अंदर से काफ़ी मॉइस्चर निकलता है, मतलब वाइट सा लिक्विड निकलता रहता है। इसका हल ये है कि कटिंग काटने के बाद 24 घंटे के लिए उसको शेडी एरिया में रखा जाए, ताकि कटिंग एरिया जो है जहाँ से आपने कट किया है उसको वो एरिया बंद हो जाए, वहाँ से लिक्विड ना निकले और वो ड्राई हो जाए। उसके बाद आप उसको सॉइल के अंदर लगा सकते हैं। अगर फ्रेश कटिंग को ही काटने के बाद में लगा देंगे तो उसको फंगस लग जाएगा और वो गल जाएगी, इसलिए पहले उसको शेडी एरिया में, इंडोर या आउटडोर शेडी एरिया में ड्राई कीजिए, उसके बाद कटिंग को मिट्टी के अंदर लगाइए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहले मुझसे भी यही गलती होती थी, मैं जल्दी से कटिंग काटता था और फटाफट से उसको मिट्टी के अंदर लगा देता था। मैं समझता था अगर ये इसका मॉइस्चर उड़ गया तो कटिंग के अंदर जो पानी है खुद का वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसकी रूटिंग और शूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मुझे भी पता चलता गया, तो आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, जब भी इसकी कटिंग काटी जाए उसको 24 घंटे के लिए शेडी एरिया में ड्राई किया जाए, जो कटिंग एरिया से जहाँ से लिक्विड निकल रहा है वो ड्राई हो जाए, उसके बाद में मिट्टी के अंदर लगाइए ताकि वो कटिंग गल ना जाए। इसकी कटिंग का ये ख्याल नहीं रखना पड़ता कि नोड एरिया हो साथ में या ना हो, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है और पत्ते जगह जगह से निकलते रहते हैं और नोड एरियाज भी बनते रहते हैं। ये जो आपको निशान दिख रहे हैं ये साथ साथ में ही पत्ते निकलने की निशानी होती है। जब पत्ते निकलने के बाद में पीले हो जाते हैं और झड़ जाते हैं, उसके बाद इस तरह के निशान बाकी रहते हैं, यही एरिया मिट्टी के अंदर जाएगा और यहीं से रूटिंग इनकी स्टार्ट होगी। और जो नई ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करती रहती है, साथ साथ में ही पत्ते ग्रोथ करते हैं। इसलिए जब भी हम कटिंग को काटते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं रखना पड़ता कि नोड एरिया साथ में हो, क्योंकि नोड एरिया साथ में होगा ही। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, साथ साथ में ही काफ़ी सारे पत्तों की ग्रोथ हो रही है, इसलिए हमें ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि नोड एरिया मिट्टी के अंदर जाए, वहाँ से रूटिंग उसकी शुरू हो। बस आप कोई सी भी कटिंग काटिए इसकी और मिट्टी के अंदर लगा दें। रेनी सीजन में भी इसकी कटिंग लगाई जा सकती है, 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में इसकी कटिंग लगाएंगे तो जल्दी ही इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इसकी कटिंग को बहुत ज़्यादा पानी से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको पानी देने की वजह से इसकी कटिंग गल जाएगी। होपफुली इस पौधे के बारे में काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अब मैं भी चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, इसके लिए जितना मर्जी बड़ा गमला आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो छोटा गमला यूज़ कीजिए, चाहे फिर बड़ा गमला 12 इंच का, या फिर डायरेक्ट कैरी के अंदर या फिर ज़मीन के अंदर भी लगाया जा सकता है। जितनी ज़्यादा स्पेस देंगे ज़ाहिर सी बात है उतनी ज़्यादा ग्रोथ अच्छी होगी।